नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। चंद्रयान 2 का चंद्रमा की 5वीं और अंतिम कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन का आश्वासन, बैंकों के विलय से किसी की नौकरी नहीं जाएगी। गृहमंत्री अमित शाह ने कश्मीर पर राहुल गांधी के बयानों की आलोचना की, कहा इन टिप्पणियों का इस्तेमाल पाकिस्तान भारत के खिलाफ कर रहा है। सरकार ने कहा राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर में शामिल नहीं किए गए लोगों के अधिकार अंतिम फैसला होने तक बरकरार रहेंगे। और किंगस्टन में भारत के साथ दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन वेस्टइंडीज ने अंतिम समाचार मिलने तक 8 विकेट पर 113 रन बनाए। समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। चंद्रयान 2 को आज शाम इसके ऑर्बिटर ने चंद्रमा के नजदीक 5वीं और अंतिम कक्षा में सफलतापूर्वक पहुंचा दिया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने एक विज्ञप्ति में बताया कि ऑर्बिटर पर मौजूद इंजन 6:21 पर शुरू हुआ और 52 सेकेंड तक चला। इससे ऑर्बिटर ध्रुवीय पोल 119 × 127 किलोमीटर कक्षा के नजदीक पहुंच गया। इस दौरान अंतरिक्ष यान के सभी मानक सामान्य रहे। ऑर्बिटर अगले 1 साल से अधिक समय तक चंद्रमा का चक्कर लगाता रहेगा। इस दौरान ये चंद्रमा के धरातल की तस्वीरें लेगा और चंद्रमा के बाहरी वातावरण की जानकारी एकत्र करेगा। चंद्रयान 2 का लैंडर विक्रम कल ऑर्बिटर से अलग हो जाएगा। इसका संभावित समय 12:45 से 1:45 है। लैंडर का नाम भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉ विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया है। और ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। आज चंद्रयान 2 की यात्रा में एक महत्वपूर्ण चरण है। जैसे ही चंद्रमा की कक्षा के और निकट लाने की प्रक्रिया आज शाम को चालू हो गई है, अब से इसरो के वैज्ञानिक लैंडर को चंद्रमा की सतह पर ले जाने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। चंद्रयान की अब तक की यात्रा बिल्कुल सटीक रही है और 7 सितंबर तक आने वाले दिनों में भी और कई महत्वपूर्ण कदम हैं। चंद्रमा पर भारत का दूसरा अभियान इसके कई छिपे हुए रहस्यों को उजागर करने के लिए निर्धारित है, क्योंकि ये चंद्रमा के एक अनजाने क्षेत्र के लिए है। चेन्नई से जयसिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं शिवप्रकाश मिश्रा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के विलय से किसी की नौकरी नहीं जाएगी। चेन्नई में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने बैंकों के विलय के बाद नौकरियां खत्म होने की खबरों का खंडन करते हुए उन्हें पूरी तरह निराधार बताया। मैंने बहुत स्पष्ट रूप से इस तथ्य को रेखांकित किया है कि कोई भी कर्मचारी हटाया नहीं जाएगा। इस मौके पर मैं जोर देकर कहना चाहूंगी कि किसी एक भी कर्मचारी को नौकरी से नहीं हटाया जाएगा, इसलिए किसी को भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। श्रीमती सीतारामन ने मजदूर संघों को आश्वस्त किया कि बैंकों के विलय का फैसला कर्मचारियों के हितों के खिलाफ नहीं है, इससे बैंकों के कामकाज पर कोई असर नहीं पड़ेगा। कोई भी बैंक बंद नहीं हो रहा है। किसी भी बैंक को जो वो पहले से कर रहे थे उससे कुछ अलग करने के लिए नहीं कहा जा रहा है। वास्तव में हम उन्हें अधिक पूंजी दे रहे हैं जो वो पहले से कर रहे थे उसे और मजबूती से करने के लिए। अर्थव्यवस्था के मंद पड़ने से संबंधित एक सवाल पर वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार इसे आवश्यकतानुरूप क्षेत्रवार देख रही है। सरकार अर्थव्यवस्था से जुड़े प्रत्येक क्षेत्र की समस्याओं का समाधान करेगी। वित्त मंत्री ने शुक्रवार को एक बड़ी योजना की घोषणा की थी कि 10 सरकारी बैंकों को मिलाकर 4 बैंक बनाए जाएंगे। इसका उद्देश्य वैश्विक स्तर के मजबूत बैंक बनाना है। भारतीय जनता पार्टी ने देश की आर्थिक स्थिति को लेकर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की टिप्पणी की आलोचना करते हुए कहा है कि कांग्रेस सरकार की नीतियों के कारण ही देश की अर्थव्यवस्था अब तक उबर नहीं पाई है। पार्टी प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने आकाशवाणी से बातचीत में कहा कि दुनिया भर में अर्थव्यवस्था की स्थिति अच्छी नहीं है, लेकिन अन्य देशों के मुकाबले भारत बेहतर स्थिति में है। हमने इकोनॉमिक सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए बहुत से सुधार किए हैं और उन सुधारों का अब असर भी हो रहा है। इकोनॉमी मजबूत हो रही है। मिसमैनेजमेंट तो यूपीए गवर्नमेंट का था, एनडीए ने तो उनकी गलतियों को सुधारने का काम किया है।
आज हमारी इकोनॉमी मजबूत हो रही है, दुनिया के मुकाबले हमारी स्थिति अच्छी है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने मौजूदा सरकार की आलोचना करते हुए कहा था कि अर्थव्यवस्था की हालत खराब है। उन्होंने कहा कि पिछली तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 5% रही, जिससे संकेत मिलता है कि भारत मंदी का शिकार हो सकता है। ये समाचार आप आकाशवाणी से सुन रहे हैं। वायु प्रदूषण की वजह से आज हम जिस हवा में सांस ले रहे हैं वो दिन प्रतिदिन जानलेवा होती जा रही है। अस्थमा जैसी बीमारियां बढ़ रही हैं। इस स्थिति को रोकने के लिए हमें आपका डोनेशन चाहिए। डोनेशन देने के लिए रेड लाइट पर अपनी कार बंद कर दें। आपका ये छोटा सा डोनेशन है पर्यावरण में बड़ा योगदान, और यही है आपका ग्रीन गुड डीड। ग्रीन गुड डीड मतलब कुछ हरे भरे काम अपनी धरती के नाम। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा पर्यावरण हित में जारी। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को हटाने तथा राज्य को दो संघ शासित प्रदेशों में विभाजित करने के केंद्र के निर्णय का पूरा देश समर्थन कर रहा है, जबकि कुछ खास राजनीतिक दल इसका विरोध कर रहे हैं। उन्होंने संघ शासित क्षेत्र दादर तथा नगर हवेली के मुख्यालय सिलवासा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस केंद्र के कदम का विरोध करती है और उसके नेता राहुल गांधी के बयान पाकिस्तान में उत्साह पैदा करते हैं। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जो बयान देते हैं, पाकिस्तान संसद के अंदर उनकी प्रशंसा हो। जो बयान देते हैं उसका उपयोग भारत के खिलाफ पिटीशन यूएन में करने में पाकिस्तान करना है। कांग्रेसियों को शर्म आनी चाहिए, आपके बयान का उपयोग भारत के खिलाफ हो। श्री शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा वापस लेने से इसके विकास का रास्ता खुलेगा। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर का भारत में एकीकरण आतंकवाद के ताबूत में आखिरी कील है। गृहमंत्री ने कहा कि अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद राज्य में शांति बनी हुई है। आज कश्मीर के कानून और व्यवस्था के सवाल उठाए जा रहे हैं। मैं आज कहना चाहता हूं कश्मीर के अंदर संपूर्ण शांति है। कश्मीर के अंदर धारा 370 हटाने के बाद आज तक ना एक भी गोली चली है, ना एक भी टीयर गैस चलाना पड़ा है, ना एक भी व्यक्ति की मृत्यु हुई है। गृहमंत्री ने सिलवासा के टोकरखाड़ा और झंडा चौक में शैक्षिक केंद्र की आधारशिला रखी। अमित शाह ने स्कूली बच्चों को मध्यान्ह भोजन पहुंचाने वाले वाहनों को भी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने युवा छात्रावास का उद्घाटन किया और श्रम योगी प्रसाद योजना का लोकार्पण किया। जम्मू कश्मीर में विशेषकर कश्मीर घाटी में स्थिति आज सामान्य रही। कहीं से किसी अप्रिय घटना की खबर नहीं है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रशासन ने घाटी के कुछ और इलाकों में प्रतिबंधों में ढील दी और सड़कों पर बड़ी संख्या में लोगों की आवाजाही दिखाई दी। 115 में से 91 पुलिस थानों के क्षेत्रों में प्रतिबंध हटा दिए गए हैं। श्रीनगर और घाटी के अन्य क्षेत्रों में केवल निजी परिवहन ही चल रहा है। सरकार ने उन क्षेत्रों में प्राथमिक, मध्य और उच्च विद्यालय खोलने की घोषणा की जिनमें प्रतिबंध नहीं है। ताहम छात्रों की हाजिरी में अभी भी कमी रहती है। इस बीच CBSE और स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने घाटी में वार्षिक बोर्ड परीक्षा आयोजित कराने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है। तारिक रात्र, आकाशवाणी समाचार, श्रीनगर। जम्मू में सीमावर्ती पुंछ जिले में भारतीय अग्रिम चौकियों पर और रिहायशी इलाकों में पाकिस्तानी सैनिकों ने अंधाधुंध गोलीबारी कर संघर्ष विराम का फिर से उल्लंघन किया। भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई कर करारा जवाब दिया। अंतिम समाचार मिलने तक दोनों ओर से गोलीबारी जारी थी। भारत की तरफ से अब तक किसी जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है। ये समाचार आप आकाशवाणी से सुन रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि असम में राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर NRC से बाहर रह गए लोगों को हिरासत में नहीं लिया जाएगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा कि इन लोगों को पहले की तरह सभी अधिकार और सुविधाएं मिलती रहेंगी। उन्होंने कहा कि सूची से बाहर रहे लोगों के लिए कानून के तहत सभी रास्ते उपलब्ध हैं। प्रवक्ता ने कहा कि NRC से असम में रहने के किसी के अधिकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
उन्होंने कहा कि सूची से बाहर व्यक्ति को विदेशी नहीं माना जाएगा। उन्होंने बताया कि असम सरकार ने एनआरसी सूची से बाहर रहे लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है। मरुस्थलीकरण की समस्या से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र समझौते से संबंधित देशों का 14वां सम्मेलन कल से ग्रेटर नोएडा में शुरू हो रहा है। ये 13 सितंबर तक चलेगा। विश्वभर से 3000 से अधिक प्रतिनिधि इस सम्मेलन में भाग लेंगे। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने मरुस्थलीकरण से निपटने के भारत के संकल्प का उल्लेख करते हुए हाल ही में कहा था, हमारे मंत्रालय ने तय किया है कि हम 2030 तक 50 लाख हेक्टेयर जमीन को उपजाऊ बनाएंगे। बंजर भूमि को उपजाऊ बनाया जाएगा। हम देहरादून में एक उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना कर रहे हैं, जिससे इस क्षेत्र में शोध को गति मिलेगी, एक दूसरे से सीखने में मदद मिलेगी और मरुस्थलीकरण को रोक पाएंगे। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आज आंध्र प्रदेश में चेरलोपल्ली और रापुरू के बीच देश की सबसे लंबी विद्युतीकृत रेल सुरंग देशवासियों को समर्पित की। उपराष्ट्रपति ने गुडरू रेलवे स्टेशन पर नवीकृत यार्ड का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री नायडू ने कहा कि भारत को विकसित देश बनाने के लिए बेहतर कनेक्टिविटी बहुत आवश्यक है। रसोई गैस एलपीजी के बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर की कीमत आज से 15.50 रूपये बढ़ गई है। विमान ईंधन की कीमतों में 596.62 रूपये प्रति किलोलीटर की कमी की गई है। विमान ईंधन की कीमतों में कमी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल के मूल्यों में आई गिरावट के कारण की गई है। केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नितिन गडकरी ने आज देश के करीब 400 रेलवे स्टेशनों पर मिट्टी के कुल्हड़ में चाय परोसने के निर्णय की घोषणा की है। इसका उद्देश्य पारंपरिक लघु उद्योग को बढ़ावा देना है। श्री गडकरी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संस्थान और स्वयं फाउंडेशन नागपुर द्वारा आयोजित स्वयं रोजगार प्रेरणा अभियान को संबोधित कर रहे थे। नितिन गडकरी ने यह भी कहा कि सरकार ने धूप बत्ती की आयात ड्यूटी 30% बढ़ाने का निर्णय लिया है। इससे घरेलू उत्पादों को लाभ मिलेगा। भारत ने पाकिस्तान में दो सिख लड़कियों के अपहरण, जबरन धर्म परिवर्तन तथा विवाह पर कड़ा विरोध जताया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा कि भारत के लोग इन घटनाओं की कड़ी निंदा करते हैं। भारत ने मालदीव की राजधानी माले में एशियाई संसदीय अध्यक्षों के चौथे शिखर सम्मेलन में पाकिस्तान द्वारा कश्मीर का मुद्दा उठाए जाने का कड़ा विरोध किया। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने सम्मेलन में भारत का आंतरिक मामला उठाए जाने पर कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने शिखर सम्मेलन के विषयों से अलग मुद्दे उठाकर इसे राजनीतिक रंग देने की कोशिश को खारिज कर दिया। चीन और अमेरिका ने बढ़ते व्यापार संघर्ष के बीच आज से एक दूसरे की वस्तुओं पर और शुल्क लगाने शुरू कर दिए हैं। हालांकि ऐसे संकेत भी हैं कि दोनों पक्षों के बीच इस माह बातचीत फिर शुरू हो सकती है। किंगस्टन में भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन वेस्टइंडीज ने कल के स्कोर 7 विकेट पर 87 रन से आगे खेलते हुए ताजा समाचार मिलने तक 8 विकेट पर 113 रन बना लिए हैं। इससे पहले भारत ने अपनी पहली पारी में 416 रन बनाए थे। वेस्टइंडीज अभी भारत के 416 रन के विशाल स्कोर से 329 रन पीछे है। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से कल प्रसारित होने वाले साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक का विषय है सशक्त समाज के लिए स्कूली शिक्षा में सुधार। ये कार्यक्रम एफएम गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर रात 9:30 बजे से प्रसारित किया जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। चंद्रयान 2 का चंद्रमा की 5वीं और अंतिम कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन का आश्वासन, बैंकों के विलय से किसी की नौकरी नहीं जाएगी। गृहमंत्री अमित शाह ने कश्मीर पर राहुल गांधी के बयानों की आलोचना की, कहा इन टिप्पणियों का इस्तेमाल पाकिस्तान भारत के खिलाफ कर रहा है। सरकार ने राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर में शामिल नहीं किए गए लोगों के अधिकार अंतिम फैसला होने तक बरकरार रहेंगे। और किंगस्टन में भारत के साथ दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन वेस्टइंडीज ने अंतिम समाचार मिलने तक 8 विकेट पर 114 रन बनाए। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ।